वेलकम टू एम एस मरियम मार्वल सुख। कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया रहना। माय नेम इज एमडी नवेद एन एस एज। आपको दिखाने वाले आज आसपुर मार्बल, हाँ मुंगेर आसपुर मार्बल। देख सकते हैं आपका मुंगेर आसपुर मार्बल है क्रॉस पैटर्न में लाइट कलर में। अक्सर आपका मुंगेर आसपुर या कोई भी आसपुर मार्बल डार्क में होता है, लेकिन हमारे पास जो आसपुर मार्बल है आपका लाइट कलर में क्रॉस पैटर्न में। आपको दो पीस वो भी खोल के दिखाऊंगा, इसका पैटर्न क्या है, बर्फी बनेगा या और कोई भैंस आएगा। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, ये जो क्रॉस पैटर्न कोई भी मार्बल में आता है आड़ा में, तो वो आपका बर्फी ही पैटर्न बनेगा। बर्फी पैटर्न आपको वो भी दिखा देंगे तबनल पिक्चर में। आप देख सकते हो उसका लुकिंग क्या आएगा, नहीं आएगा, सब इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। एंड इसका साइज क्या है, थप्पी का पोजीशन क्या है, बिल्कुल फ्रेश लॉट है। आसपुर मार्बल में आ सकता है क्रैक वगैरह, आ सकता है, क्रैक का कोई माँ बाप नहीं होता, लेकिन आ सकता है। लेकिन ये थप्पी में नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लॉट है। मैं आपको वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेश लॉट है, 100% फ्रेश लॉट है। आप आके देख सकते हैं, मिस्त्री को भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आइएगा तो आपको मिस्त्री से बात करें, डायरेक्ट आप मिस्त्री को लाइए, दिखाइए, कोई फ्रेश, कोई क्रैक वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लॉट है। मैं इसका रेट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं वीडियो में रेट नहीं बताता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी जो रेट डालूंगा सिर्फ यही थप्पी का रेट डालूंगा, क्योंकि वीडियो में नहीं बोलता हूँ, वीडियो में बोलने से प्रॉब्लम हो जाता है। देख सकते हैं थप्पी का पोजिशन, जो भी टूटा फूटा जो देख रहे हैं आपका 3 इंची 4 इंची जो बात जाने का होगा नापी में बात जाएगा, लेकिन बिल्कुल फ्रेश लॉट है। इसका साइज का बात करते हैं, 70 इंची बाई 55 इंची है, 46 पीस है 1200 स्क्वायर फीट का लॉट है, बिल्कुल फ्रेश लॉट है। दोनों साइड से आप इसका पोजीशन देख सकते हैं, जैसे कि टूटा फूटा जो भी देख रहे हैं यहाँ से आपका नापी में बात जाएगा। यहाँ ऊपर में थोड़ा कम टूटा है, नीचे के साइड में ज़्यादा टूटा हुआ, तो नीचे के साइड में जो ज़्यादा टूटा हुआ उसी का नापी आपको बात जाएगा, बिल्कुल लेस करके नापी मिलेगा। जो आपका वो फेंक दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो नापी है बिल्कुल बात जाएगा। लास्ट का पीस में थोड़ा बहुत ज़्यादा दाग उग लगा हुआ है, तो वो 3 फुट बाय 3 फुट हो, 4 फुट बाय 3 फुट हो, वही नापी उसका होगा। और देख सकते हैं कॉर्नर पे भी बहुत सारा टूटा हुआ, तो नापी में आपको बिल्कुल लेस मिलेगा। या एंड आपको ये देख सकते हैं इसका 55 इंची बाय 70 इंची 46 पीस है। ये जो आपको ये फ्रंट पीस दिखा रही है पॉलिश पीस किया हुआ है, इसका दो पीस मैं आपको और दिखाऊंगा, दोनों मिला के एंडिंग में। आप देखते रहिए वीडियो पे, बने रहिए। एंड और भी मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है मार्बल का, जैसे कि ओनेक्स मार्बल है, टोरेंटो मार्बल है, आरना मार्बल है, झांझर मार्बल है। कल के डेट में मेरा एक आरना एंड झांझर उमराया का थप्पी आने वाला है, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर सेट कीजिए, क्योंकि मार्बल के जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। एंड देख सकते हैं ये दो पीस मिलाने के बाद, आपको दिखाना चाह रही है, दो पीस मिलाने के बाद इसका ये फिगर आ रहा है, और जब चार पीस हो जाएगा तो एक जगह लग जाएगा, तो और भी इसका लुकिंग बढ़ जाएगा, और जब पॉलिश हो जाएगा ग्रेनाइट पॉलिश, और भी इसका शाइनिंग एंड लुकिंग और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। एंड कल मेरा आरना का गाड़ी आने वाला है, आरना एंड उमराया का जो भी मेरे पास कल कलेक्शन आएगा मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड मेरा और एक चैनल है मार्बल एंड टाइल्स वर्क के नाम से, वो मेरा मार्बल रिलेटेड वीडियो, फिटिंग वीडियो, पॉलिशिंग वीडियो रहता है उसमें। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर सेट कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।